बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है आज यानी 19 जून को जो है फिर से जो है रिजल्ट जारी करने वाला है, यानी छात्रों में हित में जो है लिया गया है बहुत बड़ी फैसला। और यह रिजल्ट 5 बजे जो है उपलब्ध कराया जाएगा आपके hdprizult.biharboardonline.com पर जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। यानी छात्रों हित में बिहार बोर्ड ने सभी छात्रों का जो है दिल जो है जीत लिया है। तो सबसे पहले जानते हैं आज क्या है खबर, और जो छात्र पास हो चुके मैट्रिक हो या छात्र या इंटर के छात्र है दोनों के लिए जो है यह न्यूज है। तो ध्यान से सबसे पहले पूरा न्यूज देखिए, क्योंकि कि आप सभी को जो है जिनका भी स्टूडेंट जो भी फेल हो चुके या कोई भी सब्जेक्ट में अगर मार्क्स कम है या कुछ भी प्रकार का अगर त्रुटि है तो उसका आज निवारण जो है होने वाला है। यानी आपका आज 19 जो है जून 6/2021 है और 5 बजे आपका जो है रिजल्ट जो उपलब्ध कराया जाएगा आपके ये वेबसाइट पर। तो चलिए सबसे पहले ध्यान से समझिए, क्योंकि आप सभी को लाइव में जो है रिजल्ट भी चेक कर देंगे। यहां देख सकते हैं विजय कुमार चौधरी मंत्री शिक्षा विभाग ने जो है आज दिनांक यानी 18/6/2021 यानी आपका कल जो है बताया कि जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट एवं मैट्रिक, देख सकते हैं यहां पर साफ साफ इंटरमीडिएट और एवं मैट्रिक जो है वार्षिक परीक्षा 2021 की जो है परीक्षा फल जो है संपन्न कराकर परीक्षाफल जो है प्रकाशित किया जा चुका। आपको पता होगा कि दोनों का रिजल्ट आ चुका, विगत वर्षों की भांति जो है इस वर्ष भी जो है एक या दो विषय में जो है अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अब कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न विषम परिस्थिति के चलते जो है आगामी 2 से 3 माह में भी जो है कंपार्टमेंटल परीक्षा जो है कराया जाना संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि कंपार्टमेंटल परीक्षा संभव अब तो टाइम है ही नहीं। अब डायरेक्ट बिहार बोर्ड जो है सबको जो है पास करने वाला है। सबसे पहले यहाँ पर और देख सकते हैं, दूसरी ओर अगर देखा जाए, यहाँ देख लीजिए दूसरी जो है और अगर 2 से 3 माह बाद जो है कंपार्टमेंटल परीक्षा का आयोजन किया भी जो है जाता है तो परीक्षा फल का जो है प्रकाशन अक्टूबर या नवंबर माह के पहले संभव नहीं हो पाएगा। अब देखो फलस्वरूप जो है विद्यार्थियों को जो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने का लाभ भी जो है नहीं मिल पाएगा, और कंपार्टमेंटल परीक्षा में शामिल होने की जो है पात्रता जो है रखने वाले जो है विद्यार्थियों के जो है भविष्य पर भी जो है प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की जो है संभावना थी। अब देखो सबसे पहले यह कि अब तो टाइम ना तो कंपार्टमेंटल परीक्षा लेने की है न देने की है ना रिजल्ट दे पाएगा, क्योंकि अगर इसमें अगर बिहार बोर्ड भीग गया तो फिर 2022 का एग्जाम जो है अपने निर्धारित समय पर नहीं होगा। इसलिए जो है सभी स्टूडेंट को आगे यहां पर देख सकते हैं साफ साफ, तो ये कुछ वही सेम है, उपरोक्त जो है परिस्थिति में जो है छात्र हित में मद्देनजर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो है इंटरमीडिएट एवं वार्षिक परीक्षा 2021 में एक या दो विषय में जो है उत्तीर्ण विद्यार्थियों को जो है अनअकैडमी कॉम्बैट इंडियास लार्गेस्ट वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर नीट यूजी के लिए एवरी संडे जो है आप सभी का टेस्ट लगा सकते हैं at 11:00 AM, और इसमें जो है आप लोग जो है रजिस्टर जो है फ्री कर सकते हैं, और याद रखना आपको कोड यूज करना है मिस्टर गौतम। और हाँ आप सभी को ये भी जान लीजिए, इसमें आप सभी को लीडर टेस्ट मिलेगा, 60 मिनट्स जो है आपको मिलेंगे जिसमें से आपको 28 क्वेश्चन दिए जाएंगे, और इसमें आप जो है स्कैन करके भी जो है स्कॉलरशिप टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसका प्राइस 4 करोड़ जो है रखा गया है। और ये जो है बूट कैंप है जिसमें आपको ढेर सारे एक्सपर्ट सर मिले। आप सभी के लिए बम्पर ऑफर भी चल रहा है, अगर आप लोग 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, अगर आप लोग 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा, अगर 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। और साथ ही आप सभी को जो है नीट यूजी प्लस सीबीएसई कॉम्बो सेल भी देखने को मिलेगा, जिसमें 1 ईयर का अगर आप लोग सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इसमें आपको 10% का जो है रेफरल डिस्काउंट भी जो है एडिशनल में दिया जाएगा, और 2 मंथ जो है आपको फ्री भी मिलेगा, और साथ ही 2 ईयर का जो है सब्सक्रिप्शन लेते हैं नीट यूजी प्लस सीबीएसई का तो 10% जो है रेफरल डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको जो है ऑल स्टार बैच जो है क्रैश कोर्स फॉर नीट 2021 के लिए फिजिक्स के जो है ढेर सारे जो है एक्सपर्ट सर मिलेंगे, केमिस्ट्री भी ढेर सारे एक्सपर्ट सर मिलेंगे और बायोलॉजी के भी मिलेंगे। तो ये वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है, आप लोग जरूर पार्टिसिपेट कीजिए। स्टार्स ऑन जो है 23 जून। अपवाद स्वरूप जो है कुछ अतिरिक्त ग्रेस अंक देकर, देख सकते हैं कुछ अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा अंक देकर जो है उत्तीर्ण करने की जो है समिति, अब देखो उत्तीर्ण करने की जो है समिति के प्रस्ताव से जो है शिक्षा विभाग से जो है सहमति प्रदान की है, यानी आपका सहमति बिहार बोर्ड के जो है अध्यक्ष ने जो है सहमति जो है प्रदान कर दी गई है। और साथ ही अगर बात की जाए आपका रिजल्ट आ जाने वाला, बस इतना जान लीजिए आपका रिजल्ट आ जाने वाला है,
जो छात्र पास हो चुके जो ना ही हुए, सबको क्या करना, अपने फोन से ही जब रिजल्ट चेक हो रहा है तो कोई टेंशन है फिर चेक कर लेना क्या, क्योंकि ये देखो अब इसमें क्या बताया गया, इसमें बताया गया कि कुछ मार्क्स जो है बढ़ेगा। अगर बिहार बोर्ड अगर ऐसा कह दे कि अगर 10 मार्क्स या 20 मार्क्स इस तरह अगर बोल देगा तो एक तरह बवाल या हाहाकार हो सकता है, इसलिए बिहार बोर्ड जो है एकदम खुल के नहीं बता रहा कि कितना मार्क्स जो है बढ़ने वाला है छात्रहित में, एक सब्जेक्ट हो दो सब्जेक्ट हो या किसी का कम मार्क्स है। तो यहाँ पर जो है आपको 5 बजे जो है आप सभी को जो है अपना रिजल्ट फिर से चेक कर लेना, यानी आज है 19 से 2021 और ये आपका वेबसाइट है, यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। इस क्रम में जो है कर में मंत्री शिक्षा विभाग के ने जो है घोषणा की है, इस निर्णय के तहत जो है अतिरिक्त ग्रेस से जो है उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी का परीक्षा फल जो है तैयार कर लिया गया, आपका तैयार कर लिया गया है। अब देखो जो समिति की वेबसाइट, ये वेबसाइट आपको याद रखना stprizult.biharboardonline.com पर जो है दिनांक 19 से 2021 के जो है अपराह्न 5 बजे से जो है उपलब्ध रहेगा, जिस पर जो है विद्यार्थी अपना रिजल्ट देख सकेंगे। इस अवसर पर जो है संजय कुमार अपर मुख्य जो है सचिव शिक्षा विभाग एवं आनंद किशोर अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी जो है उपस्थित थे। अब देखो अब तो यहाँ से साफ साफ पता चल चुका है आपके बिहार विद्यालय के अध्यक्ष हो या उपाध्यक्ष हो या कोई भी हो, सब जो है सहमति हो चुका है, आप सभी को रेडी रहना है और 5 बजे सब एकदम मजे से जो अपना रिजल्ट चेक करना है और देख लेना किसका जो है मार्क्स बढ़ा है। तो और यहाँ पर कुछ नीचे जो है कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन दिया गया, कितने बच्चे पास हुए क्या ना पास हुए, तो इससे अपना को कोई टेंशन है नहीं। अपने को मेन टेंशन क्या है, अपने को बच्चे पास होना चाहिए अच्छे से अच्छे। एक तो अच्छा स्कोर आया है, जिसका अगर स्कोर कम भी खराब भी आया उसका स्कोर जो है आज जो है बढ़ने वाला है, वो भी 5 बजे से। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी को जो है लाइक करना है, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करेंगे तभी जो है आप सभी का जो है रिजल्ट हम जो है 5 बजे आकर चेक कर देंगे। तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जो जो चैनल से नहीं जुड़े आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।